है, कितने एक्साइटेड हो आप? एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब अलग अलग लॉट्स में यू नो दोस्त देख रहे हैं, आज कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी हियर, सो हाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दोबारा स्क्रीनिंग होने जा रही है, किस तरह का रिस्पॉन्सेज मिल चुका है अभी तक आपको? सो एक स्क्रीनिंग हो चुकी है जिसमें मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया था, तो ऑनेस्टली आज मैं थोड़ी रिलीव्ड हूँ बिकॉज ऑल्दो मेरा भाई आ रहा है, वरुण भी आ रहा है, आई थिंक सम पीपल आर कमिंग, मेरी मासी आ रही हैं, सो देर आर सम ऑफ माई पीपल ऑल्सो कमिंग, सो आई डू, बट आई एम यू नो एक बार काम कर लो तो यू फील लाइक ओके आई हैव डन माई वर्क एंड नाउ पीपल विल डिसाइड हाउ दे फील। लकड़बग्गा के बारे में कुछ बता दीजिए जिन दर्शकों को लकड़बग्गा के बारे में नहीं पता। जी बिल्कुल, लकड़बग्गा एक एनिमल लविंग विजिलांटे की कहानी है, एक्चुअली एनिमल लवर की कहानी है, जिसको यू नो जो भी लोग एनिमल से प्यार करते हैं वो जानते हैं दैट दे कांट फेस एंड टॉलरेट इनजस्टिस डन टू एनिमल्स, क्योंकि दे आर वॉइसलेस, और ये उसी ऐसे ही एक इंसान की कहानी है जो एक एनिमल लविंग इंसान है और वो विजिलांटे बन जाता है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसिस ऑफ द फिल्म। यू नो अंशुमन परेश जो ब्लैक और वाइट हैं और मेरा कैरेक्टर है अक्षरा डिसूजा का जो ग्रे है एंड शी इज़ मोर लाइक यू नो लाइक ऑल ऑफ अस, ये क्या बात कर रहे हैं और क्या हंस रहे हैं, मुझे बहुत आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे भी हंसना है। ओके सो आई एम प्लेइंग अक्षरा डिसूजा इज अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर एंड शी इज़ ग्रे एंड या आई होप आई हैव डन अ गुड जॉब। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑडियंस से कि आपको कैसा प्यार मिलने वाला है? कुछ तो बिकॉज ट्रेलर रिलीज हो गया है, कमेंट्स भी ट्रेलर पे काफ़ी अच्छे मिले हैं, तो वो देखकर आपके अंदर क्या कुछ आया कि हाँ कैसा आपको रिस्पांस मिलने वाला है? आई थिंक मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया है और ऑडियंस यू नो आप जब मेहनत करते हैं और आप वेन यू गिव योर वर्क एवरी थिंग then your work will only speak for itself and that's what you want also ki kaam apne liye aapke liye baat kare, so jaisa bhi kaam kiya hai I hope people in the industry and all of you and people watching it will like it, that's all I can hope for. Fans ke liye koi message? Fans ke liye you know ye gaadi jaane dete hain ek second aayega fans ke liye you know meri ye jo puri journey rahi hai promotion ke time pe bhi bahut I'm feeling very reminiscent, nostalgic, emotional. मुझे ऐसे लगता है कि you know there are so many girls, so many kids, so many people who've been with me काफ़ी सालों से बने हुए हैं, तो मुझे लगता है उनकी और मेरी सेलिब्रेशन है ये कि मैं बड़े पर्दे पर आ रही हूँ एंड आई फील रियली गुड दैट मुझे बहुत हिम्मत मिलती है फ्रॉम द लव दैट दे गिव मी ओवर द ईयर्स एंड आई फील समवेयर आई ओ इट टू देम कि यू नो आज मैं इन्जॉय करूँ और अपना बिग स्क्रीन पे आने का सेलिब्रेट करूँ बिकॉज दे हैव बीन विद मी एंड दे वांट मी टू डू दिस, यू नो हमेशा मुझे बोलते हैं यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व मोर, सो आई जस्ट वांट टू टेल देम थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी एंड यू नो ऑन डेज व्हेन आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ दे बिलीव्ड इन मी, सो आई वांट टू थैंक देम फॉर दैट। इसी के साथ ही रिधि आपका आज का जो लुक है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये मेरी पर्सनल जो मैंने कुछ साल पहले ली थी गोवा से और आई वांटेड टू कीप, आई थिंक मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ दैट आई एम रिलैक्स्ड एंड ईजी, ऑल दो अंदर से नर्वस हूँ बट आई एम रिलैक्स्ड, सो आई थॉट आई विल वेयर समथिंग ईजी एंड ब्लू इज दिस ब्लू इज माई फेवरेट। हवाले ये खबर मिली है कि राखी सावंत ने शादी किया, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? That's not, it's not my life. I have nothing to say. But congratulations to everyone getting married. इसी के साथ ही रिधि आज RRR जो movie है उसके song को नातू नातू को उसको award के लिए मतलब मिला है award, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? I am very very happy and मिलना ही था। I feel like Indian industry हमारी films you know there's nothing lacking in us, we just have to believe and be convinced with our storytelling and we can win over the world, so I hope there's more and more news like this and you know we win across the globe, you know just like our film, mujhe lagta hai ki ek French DOP hai hamare film mein, Belgium ke music composer hai, Ong Bak ke action director hai, so you know it's like the world is small, like we are more closer than we think and artists always like to collaborate and appreciate each other across the world, so it's a great thing for India and I you know want people ki wo aur support kare aur you know hamari jaisi film ko aur RRR ko taki more and more films reach out to the world. Isi ke sath main aapko badi budget movie
लॉन्च हो चुका है, आपने देखा, कितना एंजॉय किया उस मूवी के बारे में, आपका क्या कहना? आई एम अ शाहरुख खान, ही इज लव, सो आई लव्ड इट एंड आई एम गोइंग नाउ. थैंक यू सो मच. अरे हम लोग इतना ऊपर चले गए. मैं बिल्कुल ट्रेलर देखा है, हाइना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. हाइना सिटी में आ गई है एंड एक्शन है, ड्रामा है एंड माय डियर फ्रेंड परेश इज डूइंग रियली वेल. ही इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, विलन का रोल कर रहा है. काफी अलग है, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफी. तो बात जहां तक हाइना की है, तो आपको कितना हाइना से प्यार है? प्यार किसे होता है? हाइना से किसी को नहीं होता प्यार, जानवरों से प्यार है. ऑफ कोर्स उनकी एक अपना एक जोन होता है. मुझे शेर पसंद है, हाइना मुझे इतना पसंद नहीं है, बट दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या बनाया है, कैसे बनाया है. काफ़ी कुछ है इसमें. ओंग बक्का उनके एक्शन डायरेक्टर है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट सीम्स इंटरेस्टिंग नाउ. शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड एक्टर एंड काफी प्रूफ कर भी चुकी है टेलीविजन में एंड शी इज नाउ इनटू फिल्म्स, व्हिच इज अ रियली गुड थिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि उन्होंने कैसा किया है एंड आई होप कि ये फिल्म अच्छी चले एंड आई विश देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस. जानवरों का जमाना है, इंसानों का गया. तो वो समझ आ रहा है कि जानवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उन पर बनाई जा रही है कि बिकॉज हमारे आसपास काफ़ी एनिमल लवर्स है, तो पीपल वॉन्ट टू सी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. काफ़ी चीज़ें अलग हो गई हैं अब. तो आपको क्या लगता है, लकड़ बग्घा को कुत्ते भगा पाएंगे? कोई किसी को भगाएगा नहीं, सबका अपना अपना स्पेस है, सब उसे इंजॉय करने वाले हैं. जैसे कि आज सोशल मीडिया पे राखी सावंत की कुछ फोटोज वायरल हुई है जिसमें उनकी शादी का जिक्र किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये शादी? उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी शादी हो गई है, उनकी एक अच्छी लाइफ, एक नई जिंदगी उनको मिल गई है. एक आई होप आई विश कि उनकी ये मोस्ट हैप्पीएस्ट उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाए, एक नई बिगनिंग है. एंड मैं ये विश भी करना चाहूँगा उनकी मम्मी ठीक हो जाए. मैंने देखा माँ से बढ़कर कोई नहीं होता एंड I wish her Godspeed recovery. साथ ही पठान का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. इंटरेस्टिंग. क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, दमदार है. शाहरुख सर वापस आए एंड ही हैज कम विद अ बैंग एंड वापस किया, वो हमेशा से यही थे एंड दिस पठान इज लुकिंग ट्रिमेंडस एंड उनके एडिटर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो आरफ भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी भी चल रही है एडिटिंग, तो बहुत अच्छा है, देखने का मौका मिल रहा है इतने टाइम बाद शाहरुख सर को. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. साथ ही ट्रिपल आर के सॉन्ग को नातू नातू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? This is the moment for all the Indian cinema because we are a part of Indian cinema and we have won a global award. I think this is a very proud moment for me because we are a part of Indian cinema and they are taking it to international level. I'm really happy. I'm really looking forward to it. कि ऐसे और हमें awards मिलते रहे, अभी Academy Awards भी आ रहे हैं, उसमें भी हम जीते. जैसे कि 2023 आ गया है, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आने वाला है, मतलब पाइपलाइन में क्या कुछ तैयार है? बहुत जल्दी उसके अनाउंसमेंट करने वाले हैं हम, 2-3 महीने में, बहुत जल्दी. अभी सब कुछ प्री प्रोडक्शन में है, जैसी चीज़ें लाइन पे आएंगी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी. आई एम श्योर कि बहुत आपको पसंद आएंगी, जैसे मेरे बाकी प्रोजेक्ट आपको पसंद आए हैं एंड इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोल विच आई हैव प्लेड सो फार. एंड बिग बॉस को कितना फॉलो करते हो? मैं बिल्कुल नहीं करता फॉलो. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभी तक तो सब पॉजिटिव है. टेक्निकली इंडिया में जमाक सेल्वा जिन्होंने शूट की है, केचा कम्फकडे जिन्होंने स्टंट किया है, सिमो फ्रांसक्वेट जिनका म्यूजिक है, इन लोगों ने पहले ज़्यादा काम नहीं किया है, तो ऑडियंस के लिए भी एक नया
टेक्निकली ये फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई होप वो लोगों को भाई एक्शन बहुत ज़्यादा है और जानवरों के बारे में है तो आई होप इट अपील्स टू एवरीवन। जहाँ तक हमने सुना है अब्रॉड के भी क्रू है इसमें, तो उनका काम लोगों को किस तरह का लगा? जी अब्रॉड के क्रू हैं उनका क्या है वो, जैसे मैं जब न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मुझे वहाँ का गटर भी पसंद है, जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मुझे वहाँ का गटर भी सुंदर लगता है। तो जोमार्क सेल्वा जो फ्रेंच डीपी है उनको कलकत्ता इसलिए हम लेके आए कि वो जो चीज़ कलकत्ता में देखेंगे वो इंडियंस को नहीं दिखाई देगी। सो इसीलिए जोमार्क ने शूट की है। सिमो का म्यूज़िक ऑडियोस्केप जो है बहुत अलग है साउंड का, एंड ऑफ कोर्स स्टंट्स केचा सर ओंगबाक इज़ अ कल्ट फिल्म। तो बहुत मन था हमारा कि एक्शन ऐसा हो जिसको दिल्ली में घुसंडबाजी बोलते हैं, कुटाई, वैसा एक्शन है इस फिल्म में और सब असली है, मतलब कोई बॉडी डबल नहीं, कोई वायर वर्क नहीं, कोई हवा में धीरे धीरे उड़ना नहीं, कोई धूल धड़ाका नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी कुटाई। सो जैसे कि आज की स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं आप भी और आपके और बाकी के भी कोस्टार्स, तो कौन कौन आज आने वाला है? बहुत ढेर सारे दोस्त हैं यहाँ, आई थिंक रिद्धि मेरे और परेश के और मिलिंद सर के बहुत दोस्त आ रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि अब हमारे दोस्त फिल्म देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी हुई जब मिलिंद सर की मम्मी ने फिल्म देखी परसों और नॉन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने देखी परसों, उनको बहुत अच्छी लगी और वो असली लिटमस टेस्ट होता है किसी फिल्म का। तो हम आशा करते हैं कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर आपको जानवर पसंद है ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज इट्स अबाउट एन एनिमल लवर। विजिलांटे दुनिया की पहली पिक्चर है जो विजिलांटे जानवरों के लिए है। बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन सब इंसानों के लिए लड़ते हैं, ये लड़का अर्जुन बख्शी जानवरों के लिए लड़ता है। और अगर आपको जानवर पसंद नहीं है तो ये फिल्म देख के आपको जानवर पसंद आने लगेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप प्लीज़ 13 जनवरी से ये फिल्म देखिए और इससे पहले कि मौसम ख़राब हो 25 को लकड़बग्गा देख लीजिए। यस, मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल लोग हैं। मेरा जो पहला गाना था ठग रांझा उसमें परेश जो इस मूवी में है वो थे एंड वो इस मूवी में है, ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम एंड मिलिंद सोमन जो मेरे लास्ट वीडियो में थे, तो इट्स लाइक इट्स ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो मैं अपनी फ्रेंड जैस्मिन को भी लेके आई हूँ ये देखने के लिए एंड आई थिंक दिस इज इनका पहला स्क्रीनिंग इन काइंड ऑफ इन बॉम्बे, बट या वेरी वेरी एक्साइटेड। सो जो मूवी है बेसिकली वो एनिमल लवर्स के लिए है, तो आप कितना एनिमल से मतलब आपको प्यार है? आई थिंक इन्हें गड्डी के पिछे ना बहुत सारा डॉग फूड ते कैट फूड रखे हुआ है जिथे असी लेट जाने हर जगह ते कदे कुत्ते नु खवान लग पैंदी रोटी कदे बिल्लियां नु खवान लग पैंदी है। सो दिस इज हाउ मच शी लव्स एनिमल्स मोर देन ह्यूमंस। आई वाज जस्ट अबाउट टू, जो भी मुझे जानते हैं वो उनको पता है मुझे इंसानों से थोड़ा सा ज्यादा प्यार जानवरों के साथ है। सो ट्रेलर तो आपने देखा है, ट्रेलर में आपको सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी पसंद आई है? ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सबकी बहुत। अभी एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूँ ट्रेलर देख के, इतना कूल ट्रेलर था दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। एक स्क्रीनिंग मैंने मिस कर दी थी तो आई मेड श्योर टू मेक इट हियर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर एवरीवन। सबने बहुत अच्छा काम किया यार, सबने। हाँ जी, कितना फॉलो कर रही है इस बार? यार अभी मैं इसकी हमेशा पूछते हो, मैं नहीं फॉलो करती यार, ऐसे हमेशा मेरी पोल खोल देते हो। मुझे अब्दू बहुत पसंद है, सबसे क्यूट। इसी के साथ ही राखी सावंत जो है उनके कुछ फोटोज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे कि उन्होंने शादी कर लिया है। वेरी हैप्पी फॉर हर, लव राखी एंड आई एम ग्लैड उनका प्यार सक्सेसफुल हुआ एंड थैंक यू सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड, सब लोग जाके ये पिक्चर देखो लक्कड़बग्गा एंड ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू। तो फाइनली आप आ गए हो आज लकड़बग्गा की स्क्रीनिंग पर, तो कैसा क्या फील हो रहा है और कितने एक्साइटेड हुआ? विजिलांटे फिल्म है, एनिमल्स पे भी है, तो दो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। उसके ऊपर परेश पहुजा है जो मेरे साथ तांडव में थे, तो आई हैव टू शो सपोर्ट एंड वो एक फिनोमिनल एक्टर हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो नेगेटिव रोल में एज एन एंटागनिस्ट वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज इस फिल्म में। बट या वेरी एक्साइटेड, व्हिच इज व्हाई आई एम इन पिंक।
जैसा कि आपने ट्रेलर देखा होगा उसमें रिद्धि का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफी दमदार है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजा आ गया वो ट्रेलर देख के जहाँ रिद्धि अपना एक्शन कर रही है. It's a, I think it's a dream role for any woman actress today to have an action role to do, and I think Riddhi is the right person for it. So basically, movie is about Haina. So, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से movie में दिखा रहा है, अगर real life में आपके सामने Haina है, तो आप उसे कितना प्यार दिखा सकोगे? मैं एकदम प्यार नहीं दिखाऊंगी, मैं सीधा U-turn लेके अगर भाग सकती हूँ तो भागूंगी, लेकिन हाँ दूर से उसकी तरह हंसने की कोशिश करूंगी, बिकॉज लोग कहते हैं कि मेरा लाफ्टर भी एक हाइना की तरह ही है, तो कुछ तो शायद कॉमन हमें मिल जाए हाइना और मुझे. इसी के साथ ही पठान ट्रेलर रिलीज हुआ है, क्या आपने देखा है, और अगर देखा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शाहरुख खान लुक्स सो गुड, ही लुक्स सो गुड, इतने हॉट लग रहे हैं उस फिल्म में, एंड आई थिंक ये पहली बार उनकी बॉडी इस अवतार में देखने को मिल रही है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट अ बॉडी लाइक दैट. And of course, Deepika looks beautiful as usual. I can't wait. I think I'm very, very excited. The cast looks awesome. The trailer looks awesome. और जो जिस तरह वो उड़ रहे हैं वो सब हो रहा है ना, I'm very excited to see that film also. Thank you so much. Thank you. So finally, आज आप आ गए हैं लकड़ बग्गा की स्क्रीनिंग पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ फिल्म को लेके, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त involved हैं इसमें, तो I'm really, really looking forward to watching the film. ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त एक्साइटमेंट से ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं. अंशुमन ने एक्ट किया है, प्रोड्यूस की है फिल्म. विक्टर बैनर्जी, विक्टर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. आलोक शर्मा जिन्होंने लिखी है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. देन परेश पाहुजा हैं, रिद्धि डोगरा है, सब मेरे बहुत प्यारे प्यारे मित्र इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मतलब देखना ही देखना है. ये मैं मतलब मुझे आई लव एनिमल्स, मेरे घर पे दो कैट्स हैं तो ये एक और स्पेशल चीज़ है इस फिल्म की, जो मतलब जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो किस तरीके से दिखाया गया है, और जो एनिमल क्रुएल्टी है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, और बस ये बहुत अच्छा मैसेज तो फिल्म ऑलरेडी दे रही है, तो आई होप कि फिल्म कमाल होगी. ट्रेलर आपने देखा होगा जी, अंशुमन एंड रिद्धि का एक्टिंग आपको कैसी? ट्रेलर मुझे बहुत कमाल लगा, और अंशुमन ने जिस तरीके से तैयारी की है इस रोल के लिए वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और रिद्धि तो हमेशा ही बहुत कमाल करती है, और ट्रेलर में मतलब दोनों की पेयरिंग भी काफ़ी फ्रेश लगी. परेश भी जितना नज़र आया वो बहुत बढ़िया लग रहा है, मिलिन साहब बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, टाइम तो मतलब थ्रिल्ड. सो हाल ही में अभी शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमाल, पठान का ट्रेलर में बहुत ही ज़बरदस्त है, और जिस दिन वो रिलीज़ हो रही है 25 जनवरी मेरा बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे जो है पठान देख के सेलिब्रेट करने वाला हूँ. और मेरी मिशन मजनू 20 तारीख को आ रही है नेटफ्लिक्स पे, उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे है. अरे सर, उसके बारे में मैं तो कहूँगा कि वो जो बॉयकॉट ट्रेंड है वो छोटा है, और जो प्यार करने वाला जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बड़ा है, और वो मतलब वो फिल्म को ज़रूर देखने जाएगा, और मतलब जनता जो है वो एकदम क्या कहते हैं भारी मात्रा में मुझे लगता है सिनेमा हॉल्स में जाएगी पठान देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी. थैंक यू इन एडवांस. सो क्रिस्टल, फाइनली आज आप आ गए हो लकड़ बग्गा की स्क्रीनिंग पर, क्या आपने ट्रेलर देखा है, और अगर देखा है तो आपको सबसे अच्छा क्या पसंद आया है? मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, आई थिंक दी एक्शन सीक्वेंसेस आर फैब, एंड सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लकड़ बग्गा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सो वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो रिद्धि को कॉप्स के कैरेक्टर में देखकर आपको कैसा लगा? अरे रिद्धि इज़ लुकिंग फैब, एवरी वन आई एम सेइंग, इवन परेश इज़ लुकिंग सो गुड, एंड द हीरो इज़ लुकिंग सो गुड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली वॉचिंग दिस फिल्म. फिल्म ये स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर है, जी. मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, पर लकड़ बग्गा इज़ नॉट अ डॉग, इट्स हाइना, सो आई मीन आई लव ऑल एनिमल्स, आई लव डॉग्स स्पेशली.
तो इसी के साथ ही शाहरुख खान की मूवी का पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों हॉट लग रहे हैं, दीपिका भी हॉट लग रही है, शाहरुख खान भी हॉट लग रहे थे, रोशन तो वैसे ही हॉट है, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर लुकिंग रियली रियली हॉट एंड आई लव दैट सॉन्ग उसमें. सो इफ वी टॉक अबाउट द सॉन्ग, सो सॉन्ग भी रिलीज हुए तो उस पर क्या कहना है आपका? उस पर जो रील्स बन रहे हैं लोगों के, एक से बढ़कर एक हॉट रील्स, आई थिंक यू नो टू मैच अप टू बोथ ऑफ देयर लुक्स एंड देयर सेक्सीनेस इन दैट वीडियो इज Impossible, but everyone's trying. इसी के साथ ही राखी सावंत की शादी की फोटोज जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, तो राखी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और किसी के बारे में पूछना चाहते हो? वो और उनके जो हस्बैंड है अब वो हमेशा खुश है. थैंक यू. पाइपलाइन आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो क्या कुछ लेकर? जी बिल्कुल, होपफुली इस साल मेरी फिल्म विस्फोट रिलीज होती है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. उसमें रितेश देशमुख है, फरदीन खान है, इट्स अ सुपर फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू.